फर्ज कीजिए कि आप एक घर खरीद रहे हो और होम लोन लेने के लिए बैंक जाए और बैंक का मैनेजर आपसे कहे कि बैंक के पास पैसे नहीं हैं, पैसे खत्म हो गए, या आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और बैंक में लोन अप्लाई करें और बैंक आपका आवेदन ये कहते हुए लौटा दे कि उनके पास पैसे नहीं बचे। जाहिर है आप माथा पकड़ लेंगे, लेकिन अभी बैंकों के सामने ये नौबत नहीं है। पर कर्ज लेने वालों और बैंक में डिपॉजिट करने वाले लोगों के बीच अंतर बढ़ गया है। इसके चलते बैंकों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। बैंकों में डिपॉजिट घट रहे हैं, लोग बैंकों में पैसे जमा करने से कतरा रहे हैं। इसके चलते सरकार भी चिंतित है, भारतीय रिजर्व बैंक की भी चिंता बढ़ गई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि बैंकों में डिपॉजिट में कितनी गिरावट आई है, बैंकों में पैसा जमा करने से लोग क्यों कतरा रहे हैं और कहां निवेश कर रहे हैं। एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या आम लोगों को और कारोबारियों को आने वाले समय में कर्ज लेना मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा समझेंगे कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और ये कितना चिंताजनक है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले कुछ दिनों से बैंक एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। बैंकों में इस समय डिपॉजिट कम आ रहा है, लेकिन लोन की मांग बढ़ रही है। बैंक जमा और कर्ज बांटने के बीच लगातार अंतर बढ़ने के कारण बैंक 20 साल में सबसे खराब डिपॉजिट संकट से जूझ रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास दोनों ने बैंकिंग क्षेत्र में कर्ज और जमा वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर को लेकर चिंता जताई है। RBI गवर्नर ने कहा कि लोग बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय दूसरे साधनों में पैसे निवेश कर रहे हैं। डिपॉजिट घटने से बैंकों को फंडिंग के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक्स अपनी जरूरत के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हैं, इससे बैंकिंग सिस्टम पर नकदी का संकट आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि डिपॉजिट की रफ्तार कुछ समय से लोन बांटने की रफ्तार से पीछे है, इसके संभावित परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि बैंक कर्ज बांटने के लिए मुख्य रूप से पैसे का इंतजाम कहां से करते हैं? दरअसल करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, यानी बचत खाते, बैंकिंग शब्दावली में कहें तो CASA बैंकों के लिए पैसे जुटाने के मुख्य स्रोत हैं। ये आमतौर पर बहुत आसानी से और कम लागत वाला होता है। फिलहाल बैंकों में जितना पैसा जमा है उसका करीब 41% डिपॉजिट करेंट और सेविंग्स अकाउंट से आता है, जबकि पिछले साल चालू और बचत खाते में कुल जमाओं का करीब 43% हिस्सा था। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है और इतना चिंताजनक नहीं है, तो फिर RBI और सरकार हर कोई चिंतित क्यों है, इसको भी समझाते हैं। करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में बैंकों के पास पैसे का इंतजाम करने का एक पक्का जरिया माना जाता है। मतलब अगर बैंकों को कर्ज लेने की जरूरत पड़े तो बिना परेशानी के उपलब्ध रहता है, लेकिन बाहर से कर्ज लेने में दरें ऊपर नीचे होती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक भी आम लोग और RBI वगैरह से कर्ज लेकर कुछ बड़ी दरों पर लोन बांटते हैं, इसलिए कोर डिपॉजिट यानी करेंट और सेविंग्स डिपॉजिट में मामूली अंतर से बैंकों के मुनाफे पर असर पड़ता है। मौजूदा समय में RBI का रेपो रेट 6.5% है, यानी कर्ज की दरें काफ़ी ऊंची बनी हुई है। ऐसे में CASA डिपॉजिट में कमी बैंकों के लिए और परेशानी बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए पिछले वित्त वर्ष में जब क्रेडिट ग्रोथ यानी कर्ज बांटने की दर 20% से बढ़ रही थी, तब डिपॉजिट ग्रोथ या जमा वृद्धि केवल 14% थी। इस अंतर को लेकर रिजर्व बैंक की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई। लेकिन सवाल यह है कि लोग बैंक में पैसा जमा क्यों नहीं कर रहे और लोग अपने पैसे आखिर निवेश कहां कर रहे हैं? पिछले 30 सालों में भारत में महंगाई दर औसतन 6.6% रही, जबकि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पर 3-5% के बीच ब्याज मिल पा रहा है। इस तरह से महंगाई को अगर एडजस्ट करते देखें तो बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर लोगों को नेगेटिव रिटर्न मिल रहा था। फिर भी बचतकर्ताओं ने अपनी वित्तीय बचत का लगभग आधा हिस्सा बैंक जमा में निवेश किया। लेकिन बचतकर्ताओं को अब प्रॉपर्टी और दूसरे निवेश साधनों में कहें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। डिपॉजिट में गिरावट की एक अन्य वजह ये हो सकती है, परिवारों की वित्तीय बचत में गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में शुद्ध घरेलू बचत 47 साल के निचले स्तर पर है। किसी परिवार के कुल धन और निवेश में उनका कर्ज और उधारी अगर घटा दिया जाए तो उसे शुद्ध घरेलू बचत कहते हैं।
वित्तीय वर्ष 2023 में बचत घटाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3% ही रह गई, जो साल 2022 में 7.3% थी। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पीआर राजगोपाल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि खासकर शहरी क्षेत्र में डिजिटलीकरण की वजह से निवेश करना काफ़ी आसान हो गया है। लोग म्यूचुअल फंड निवेश जैसे वैकल्पिक बचत उत्पादों में बेहतर निवेश कर रहे हैं, जिससे जमा के लिए बैंकों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के ताज़ा आंकड़ों से इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए निवेश में उछाल का पता चलता है। इस साल जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों ने जमकर पैसा लगाया और करीब 2 साल में सबसे ज़्यादा लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया, जो शुद्ध प्रवाह का लगातार 35वां महीना था। इसके अलावा दूसरे किस्म के म्यूचुअल फंड्स में भी लोगों ने खूब निवेश किया है। लोग म्यूचुअल फंड्स में खूब SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं। लोग SIP के जरिए किस तरह निवेश बढ़ा रहे हैं उसका पता इस बात से पता चलता है कि जनवरी 2024 में SIP की संख्या बढ़कर करीब 8 करोड़ पहुंच गई थी। बैंकों में डिपॉजिट घटने की दूसरी वजह की बात करें तो सरकारी बैंकों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अब कॉरपोरेट और सरकारी खातों से बड़ी मात्रा में फ्लोटिंग जमा नहीं मिलती। इसके अलावा करंट अकाउंट में भी कंपनियां पहले के मुकाबले कम पैसा रखती हैं। और इस सब के अलावा सरकार अब मंत्रालयों को अग्रिम के बजाय मांग पर बजटीय आवंटन प्रदान करती है। इस सब बातों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। अब हैरानी की बात यह है कि पिछले करीब 3 दशकों में 6.5% से ऊपर इन्फ्लेशन का रेट रहा है। तो हम जब इसको फाइनेंस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कितना रिटर्न ला रहा है और महंगाई की दर कितनी है, मतलब आपको रिटर्न पॉजिटिव मिल रहे हैं या नेगेटिव मिल रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन आपके रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो आपका रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ, लोगों ने बेपरवाह तरीके से बैंकों में पैसे रखे और उनको समझ आया भैया पैसे रखे तो हमें उल्टा महंगाई ज्यादा हो रही है, हमारे पैसे पे रिटर्न कम आ रहा है, तो लोगों ने दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू किए। और मैं 4 रास्ते बताऊंगा जो लोगों ने ढूंढे, जिसमें लोगों को डबल डिजिट से मेरा मतलब है 10% से ऊपर रिटर्न आया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में प्रति माह 40,000 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट आ रहा है, जिसमें से खाली SIP में 23,000 करोड़ का जुलाई के महीने में पैसा आया है, क्योंकि लोगों को वहां पर 12%, 15%, 18%, 20% और कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा रिटर्न आया। दूसरा, जो लोग सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 15 करोड़ के आसपास आज डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। अगर मैं स्पेकुलेटिव वालों को छोड़ दूं तो लोगों ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। अगर हम BSE की सेंसेक्स देखें और निफ्टी को देखें, उससे कहीं बेहतर बैंक के डिपॉजिट से लोगों ने यहां पर रिटर्न कमाया। तीसरा एवेन्यू गोल्ड। गोल्ड में आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से लगातार 14-15% से ज्यादा का रिटर्न बना हुआ है। आज भी गोल्ड 75,000 रुपए से ऊपर घूम रहा है, तो लोगों ने सोचा कुछ पैसा उठा के गोल्ड में लगाना चाहिए। और हम क्यों भूलें रियल एस्टेट को। कोविड के बाद से रियल एस्टेट में आप देखें, किसी भी आप बड़े शहर में जाएं, छोटे शहर में जाएं, कमर्शियल में जाएं, रेजिडेंशियल में जाएं, वहां पर आपको कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं, जिसको लोग इन्वेस्टमेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बैंक में डिपॉजिट रखने का आम लोगों पर क्या असर होगा, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। जी हाँ, ये एक और पहलू है कि जो आम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, आजकल तो लोग घूमने फिरने के भी लोन लेते हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पर्सनल लोन्स हैं, मैं सबको पर्सनल लोन कैटेगरी में लेके बात कर रहा हूँ, कि ये पर्सनल लोन्स कंजम्पशन को बढ़ावा देते हैं। अब मान लीजिए दिवाली आ रही है, दिवाली पे लोग फ्रिज खरीदेंगे, TV खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, 2-व्हीलर खरीदेंगे, बैंकों से फाइनेंस करके खरीदते हैं, घर खरीदेंगे। अब आप ऐसी सिचुएशन मानिए कि बैंक मना कर दे कि हम लोन नहीं दे सकते, तो क्या होगा कि कंजम्पशन पर भी सीधा सीधा असर हो जाएगा। और कंजम्पशन पे असर होने का मतलब है भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो कि 55-60% कंजम्पशन पर निर्भर है, अगर ऐसी अर्थव्यवस्था में लोन मिलने बंद हो गए तो कंजम्पशन डाउन हो जाएगी। कंजम्पशन डाउन होने से फिर इंडस्ट्री पे जाके असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, एक विशेष सर्कल है अर्थव्यवस्था में, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहां एक कड़ी टूटी वहीं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अपने घुटने पर आ सकती है। जानकार बताते हैं कि ये सही है कि बैंकिंग व्यवस्था को
कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, लेकिन बैंकों के घटते डिपॉजिट बड़ी समस्या बने उससे पहले एहतियात जरूरी है। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना महामारी के बाद इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से पटरी पर लौटी है, इसके चलते कर्ज की मांग बढ़ी है। ऐसे में अगर बैंक कर्ज बांटते रहे और उनके डिपॉजिट घटते रहे तो ये छोटे कारोबारियों, खपत और देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि बड़े बैंक पर इसका ज़्यादा असर ना हो, लेकिन छोटे बैंक और NBFC पर इसका असर पड़े। चूँकि छोटी संस्थाओं के पास जमा राशि के कम विकल्प होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर ये बैंक कर्ज बांटने के लिए पैसे का इंतज़ाम अपने बैंक में जमा होने वाले सेविंग और करंट अकाउंट की राशि से करते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकों के कम डिपॉजिट ग्रोथ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बैंकों को कुछ इनोवेटिव और आकर्षक पोर्टफोलियो लाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों में पैसा जमा करें। उन्होंने कहा कि अभी लोगों के पास अधिक रिटर्न पाने के लिए बैंकों से अच्छे कई विकल्प हैं, इनमें शेयर बाजार भी एक है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यह धारणा कि बैंकिंग क्षेत्र में जमा वृद्धि कम हो रही है केवल एक सांख्यिकी मिथक है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वित्त वर्ष 2023 में बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सभी बैंकों ने 1951-52 के बाद से जमा और ऋण दोनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। अब सवाल आखिर यह है कि बैंकों का घटता डिपॉजिट देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है। इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। अगर आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो बहुत ही चिंता की बात है। इसलिए चिंता की बात है कि आज भी भारत के बहुत सारे MSMEs, मैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की यहाँ बात कर रहा हूँ, जिनकी गिनती करीब करीब 7 करोड़ पहुंच चुकी है, आज भी वो पुराने तौर तरीके फंडिंग के, यानी कि वो बैंक का दरवाजा खटखटा के ही पैसा लेते हैं। अब अगर बैंक के पास डिपॉजिट आने बंद हो जाएंगे तो वो भला लोन कहाँ से देगा? अगर वो लोन नहीं देगा या MSMEs को और इंडस्ट्री को लोन लेने में दिक्कत आएगी तो उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जिसको हम प्राइवेट निवेश कहते हैं, जो बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना है, सब चीजें अर्थशास्त्र में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर वो कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होगा, वो नए उद्योग नहीं लगा पाएंगे या अपने एग्जिस्टिंग उद्योग के लिए पैसा नहीं जुटा पाएंगे तो सीधा सीधा इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रभावित होगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रभावित होने का मतलब है कि आपको जो ग्रोथ इकोनॉमी में चाहिए वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, यानी कि सामान का उत्पादन कम हो जाएगा और ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि गुड्स की शॉर्टेज, एक्सट्रीम सिचुएशन में गुड्स की शॉर्टेज हो सकती है। तो जो छोटे बैंक्स हैं खासकर, उन बैंकों का डिपॉजिट और लोन के बीच में जो स्प्रेड है वो कम होता है, यानी कि वो डिपॉजिट पर ज्यादा निर्भर करते हैं। जो बड़े बैंक्स हैं उनके लिए और भी लाइबिलिटी के जरिए हैं, यानी कि डिपॉजिट के अलावा वो रिजर्व बैंक से ले लेते हैं, उनके पास और भी प्रोडक्ट्स रहते हैं जहां से वो पैसे का सृजन कर लेते हैं। पर जो छोटे बैंक्स हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बड़े बैंक्स अपने आप को शायद फिर संभाल ले, पर जो छोटे बैंक्स हैं, आजकल हम देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और भी बैंक, जो बड़े बैंक प्राइवेट बैंक्स भी हैं, उसके अलावा छोटे प्राइवेट बैंक्स भी हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो क्रेडिट ग्रोथ ये बढ़ रही है, मुझे लगता है इस पर ब्रेक लग सकती है अगर जल्द ही डिपॉजिट्स ने उसके साथ मैच नहीं किया, डिपॉजिट्स ने कैचअप नहीं किया। अगर ये गैप बढ़ता गया तो आगे आगे आपको डिपॉजिट ग्रोथ भी स्लो होती नजर आ सकती है, जो कि खतरे की घंटी होगी अर्थव्यवस्था के लिए। ये था हमारा आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया, शुभ रात्रि।